नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले व्रतों में संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। इसे संकट चौथ या तिलकूट चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार संकट चौथ का पर्व 10 जनवरी को है। संकट चौथ के दिन माताएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत का पारण रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद किया जाता है। वैसे तो इस व्रत को खोलने से पहले चंद्र दर्शन बेहद जरूरी है, लेकिन धुंध और बादल के चलते चांद के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो महिलाओं को अपने व्रत का पारण करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं बिना चांद के दर्शन ही व्रत का पारण कर सकती हैं। शास्त्रों में इस बारे में बताया गया है कि अगर किसी कारण से चांद के दर्शन होने में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो कुछ उपाय कर बिना चांद के दीदार किए ही उपवास पूरा कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। चंद्रमा दिखाई न दे तो शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। इसके लिए चौकी सजाएं, उस पर लाल कपड़े के ऊपर चावल से चांद की आकृति बनाएं। ओम चतुर्थ चंद्राय नमः मंत्र का जाप कर चंद्रमा का आह्वान करने के बाद विधि विधान से पूजा कर व्रत पूरा किया जा सकता है। अगर चांद न दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, फिर चंद्रमा की पूजा करके क्षमा याचना करें। चंद्रोदय का सही समय जानकर करीबियों से पूछें कि चांद किस तरफ निकलता है, उस दिशा में मुंह करके अपनी पूजा करें और चंद्र देव से क्षमा याचना करें। यदि हो सके तो जिस क्षेत्र में चंद्रमा दिखा है वहां से उसकी तस्वीर मंगवा कर उसके दर्शन कर महिलाएं व्रत खोल सकती हैं। यदि चांद ना दिखे तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर व्रत तोड़ें। चांद के दर्शन ना होने पर थाली में चावल लेकर उसे चांद का आकार देकर अर्घ दें। आप बड़े बुजुर्गों के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोल सकते हैं और साथ ही अगले चौथ पर चंद्र दर्शन का संकल्प ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।